हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और ये हमारा चैनल टीचर टैट एग्जाम। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? जब ऊपर होता है अंश और नीचे क्या होता है हर, तो इसके क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बोलते हैं। भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको बोलेंगे अंश, नीचे वाली को बोलेंगे हर। यानी जो संख्या बटे में लिखी जाती है, जैसे 3/4 लिख दिया हमने, तो जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे? अंश। जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे? हर। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे भिन्नों को जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। ये सब कोई दशमलव संख्या है ना, वो भी भिन्न ही होती है। कैसे देखिए, जैसे हमने लिख दिया 0.6, 0.375, हमने लिख दिया 1.321, इस तरीके से लिख दिया 43.23। ये तो हम क्या करेंगे? भिन्न को बदलना सिखाएंगे, ठीक है? कैसे भिन्न बदलते हैं? जैसे यहाँ देखिए 0.6, तो क्या करेंगे, इसे पूरा लिख लो पहले 6 को ऐसे ही। अब क्या करेंगे, इसके लिए पॉइंट के लग लिख देंगे 1। पॉइंट के बाद कितने अंक है? एक अंक है, तो 10। इसे बदलिए, इसे पूरा लिखो पहले 375। पॉइंट के लिए 1 लिखो, इसके बाद कितने अंक है? 3 अंक, तो कितनी 0 आएगी? 3 0 आएगी नीचे। ये दशमलव को हटाने का तरीका है। अब इसे पूरा लिखो पहले 1 2 1, बटे में क्या लिखेंगे हम? ये 1 लिखो, इसके बाद कितने अंक है? 3, तो 1 2 3, 3 0 लगा देंगे। इधर देखिए लिखेंगे 43 और 23, इसे कैसे बदलेंगे? इसके लिए पॉइंट के लिए 1, इधर कितने अंक है? 2, तो 2 0। ये देखिए, ये दशमलव था हमने किसे बदल दिया? भिन्न में बदल दिया। यानी दशमलव संख्या भी क्या होती है? भिन्न ही होती है। जो ऊपर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को बोलते हैं हर। इसमें अंश कितना? 43 23, हर कितना? 100, ठीक है? अब हम दिखाते हैं इनको कैसे जोड़ते हैं। जैसे हमें दे देगा इसको, ये संख्या दे दी ऐसी, किसको जोड़ के बताओ? 0.6, 0.375, ठीक है, और ये क्या 1.32, इस तरीके से 43 23। इनको जोड़ के बताना, पूछा इसका योग बताओ क्या होगा। ये भी तो भिन्न में क्वेश्चन आएगा, इसका योग पूछा आपसे। तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद पहले अंक बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट के बाद अंक बराबर। जैसे यहाँ पर जोड़ कर दिखाऊंगा मैं, पहले लिखिए आप ये जो दे रखे 0.6, ठीक है। अब ये लिखिए क्या है, 0.375, 0.375। पॉइंट के बाद अंक एक एक बोला जाता ना कि पूरा, ये 375 नहीं बोला जाएगा, 375 ऐसा बोला जाएगा। आगे देखिए क्या दिया, 1.321, यानी 1.321। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट से इधर कितना? 43, यानी 43 ऐसे लिखो, 43 उधर क्या है? 23 23। अब क्या करेंगे, अंक बराबर करेंगे, यानी कि इधर कुछ नहीं है तो अपने पास से 0 0, इधर क्या लगाएंगे? 0। इन सबको क्या करना? ऐड, यानी सबको क्या जोड़ना है। देखिए 5 और 1 6, 7 और 3 10 2 12 का 2 हासिल किया 1, तो क्या करेंगे 1 हासिल गया यहाँ पर, तो 6 3 9 10, 13 2 15 का 5 हासिल गया 1 यहाँ पर। अब तो देखिए 3 और 1 4 और 1 5, और ये 4 ऐसे, ये क्या आ गया आपका? आंसर। यानी ऐसे दे सकते हैं, भिन्न का ही प्रकार है, ठीक है। भिन्नों को जोड़ना इस तरीके से जोड़ना दे सकता है। क्या करेंगे, पहले अंक को बराबर करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसे घटाना भी पूछ सकता है सेम इसी तरीके से। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं भिन्नों का योगफल कैसे निकालेंगे। वो क्वेश्चन आपका ऐसे देगा 1 से 1/11, 11 से 1/2, इस तरीके से पूछेगा इसका मान क्या होगा। डायरेक्ट ये नहीं कहेगा योगफल करो, कहेगा इसका मान क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, जिसमें पूर्णांक है, यानी जो पूरा अंक है, पूर्ण क्या इसमें 1 11 111, इनको अलग लिख लेंगे हम। लिखो यहाँ पर 1 + 11 + 111, इसको अलग निकाल लेंगे। और इधर क्या बचा? 1/2 1/2 1/2, इसको एक साथ लिख लेंगे 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक है। इनको तो अलग जोड़ेंगे और इनको अलग जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, भाई ये क्या हो गया 1 1 1, कितना हो गया 1 2 3, इधर 1 और 1 2, और ये क्या बचा 1, ये तो आ गया 123। और जब इनको जोड़ेंगे तो इनको कैसे जोड़ेंगे, इनका लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? 2। तो ऊपर वाले कितना डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि नीचे सेम है ना, 1 + 1 + 1, तो जोड़ो क्या आ गया 123 प्लस में 1 2 और 1 3, 3/2। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम 123 सही 2/3, समझ गए ना। यानी क्या करना, जो पूर्णांक है, जो कंप्लीट नंबर है, उसको बाहर निकालेंगे, उसको एक साथ जोड़ेंगे, जो फ्रैक्शन में जो भिन्न में उनको एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इधर देखिए आप, इसमें 2 ये है, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है? ये पूर्णांक है, पूरे अंक है। तो पहले इनको एक साथ लिख लो भाई, 2 + 3 + 4, ठीक है। अब बच्चा क्या, 1/2 1/4 1/5, इसको अलग निकाल के जोड़ेंगे। तो यहाँ जोड़ो भाई 1/2, ये आपका 1/4, ये 1/5, देखो यहाँ पर। तो क्या आएगा, इधर आ गया 4 3 7 और 2 9, इधर क्या लेना पड़ेगा हमें, इधर लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम यहाँ पर? 5 4 2 है, तो 5 चौका 20 20 आ गया इसका एलसीएम। जब भाग करेंगे 2 2 10, तो 10 1 10 + 4 5 20 5 1 5 + 5 चौका 20, तो 4 1 4, पता ना एलसीएम लेके इससे इसको डिवाइड करेंगे। जो बच्चे का ऊपर वाले के साथ गुणा, इससे इसको डिवाइड ऊपर वाले के साथ गुणा, इससे इसको डिवाइड ऊपर वाले के साथ गुणा करके यहाँ लिखते हैं। तो देखिए कुल मिला के क्या आएगा यहाँ पर, ये आपका 9 तो ये निकल कर आ रहा है इधर से, 9 प्लस, और ये
दस पाँच पंद्रह चार उन्नीस, उन्नीस बटे बीस, उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम नौ से ही उन्नीस बटे बीस, समझ गए ना, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। क्या करते हैं पूर्णांक को अलग निकाल लेंगे, भिन्नों को अलग निकाल लेंगे, तब जोड़ेंगे इनको। जैसे इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम देखिए दो तीन सात पूर्णांक है, तो सात और तीन दस और दो बारह, डायरेक्ट करना सीखो अब, ठीक है। यहाँ देखो ए बटे तीन, दो बटे पाँच, ए बटे चार लिख लो, यहाँ पर ए बटे तीन, दो बटे पाँच और ए बटे चार, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर पहले बारह तो ऐसे लिखेंगे हम, इसका क्या करेंगे एलसीएम लो, कितना आ गया पाँच चौका बीस, तिया साठ, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका साठ यहाँ पर, ठीक है। तो करो तीन से इसको डिवाइड करो, बीस बीस से कम बीस, ऊपर वाले के साथ गुणा करके लिखते हैं यहाँ पर, प्लस आगे पाँच से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, बारह पंद्रह साठ बारह, बारह दूनी चौबीस, चौबीस लिखेंगे यहाँ पर हम। आगे देखिए तो चार से डिवाइड करें कितना आएगा, पंद्रह, पंद्रह किस में गुणा, पंद्रह कम पंद्रह, तो ये आगे इन सबको जोड़ के लिखना, अब क्या जाएगा बारह, तो ऐसे लिखा जाएगा प्लस में जोड़न को, ये हो गया पाँच और चार नौ और जीरो नौ, ये तो आ गया नौ आपका। आगे देखिए एक, सॉरी देखिए एक और दो तीन और दो पाँच, पाँच बटे साठ, यानी कितना आ गया, ये आ गया आपका बारह से ही उनसठ बटे साठ। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, सबको पता लगेगा योग कैसे करना, भिन्नों का योग ऐसे करना है कि इनको पूर्णांक पहले निकाल देंगे, उनको अलग जोड़ेंगे, तो भिन्न में आना उनको अलग जोड़ेंगे, जैसे हमने दिखाया भी पूर्णांक अलग निकाल के जोड़ दिए, अलग निकाल के जोड़ दिए, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपको। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कैसे दिया, एक बटे बारह, एक बटे बीस, एक बटे तीस, एक बटे बयालीस, इनका मान ज्ञात करना, ये योग फली तो है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करें, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि एक बटे अंतर ब्रैकेट वन बटे फर्स्ट नंबर माइनस वन बटे लास्ट नंबर ब्रैकेट बंद, ठीक है। क्या फॉर्मूला भी देखे, इसका यूज़ हो जाएगा, देख कैसे होगा इसका यूज़, देखें यहाँ पर बहुत आसान पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको ना बारह बीस इनको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, लगातार संख्याओं में बढ़ते क्रम में घटते क्रम में कैसे भी तोड़ लो। देखो कैसे, जैसे एक बटे बारह को लिखेंगे हम तीन गुना में चार, एक बटे बीस को कैसे लिखेंगे चार गुना पाँच, इसको क्या लिखेंगे एक बटे पाँच गुना में छः, इसको एक बटे छः गुना में सात, समझ गए ना कैसे, भाई तीन चार चार पाँच पाँच ऐसे बढ़ते क्रम में तोड़ लिया हमने संख्याओं को, ठीक है। फिर क्या करते हैं, देखिए जो इसका लास्ट है ना इसका फर्स्ट है, इसका लास्ट है इसका फर्स्ट है, इसका लास्ट है इसका फर्स्ट है, इसकी सीरीज की पहचान है। तो क्या करेंगे हम लेंगे एक बटे में अंतर, अब ये हाँ देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर ये लेना है ये वाला इन दोनों का, तो अंतर कितना है, अंतर आपका तीन और चार का अंतर कितना एक, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक बटे में अंतर, अंतर कितना एक, ब्रैकेट वन बटे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट कितना इसका तीन, तो एक बटे में तीन माइनस वन बटे में लास्ट, लास्ट कितना सात, तो एक बटे में सात, ठीक है। अब अंदर वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इक्कीस, तो क्या आ जाएगा सात माइनस तीन घटाएंगे कितना आ गया चार बटे इक्कीस, एलसीएम लेना तो आता होगा ना, ऐसे करेंगे। आगे देखे क्या है, एक बटे बयालीस छप्पन का योग बताना कितना होगा, तो क्या करेंगे पहले इसको संख्या को बढ़ते क्रम में तोड़ेंगे, ठीक है, जैसे तीन चार पाँच छः इस तरीके से। तो जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसको तोड़ेंगे वन अपन बयालीस को, तो क्या करेंगे इसका छः सते बयालीस, फिर इसको एक बटे सात अठे छप्पन, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक बटे आठ नहीं बहत्तर, इसको तोड़ेंगे तो एक बटे नौ गुना में दस, और यहाँ क्या करेंगे एक बटे में दस गुना में ग्यारह, ठीक है। तो देखिए छः सात सात आठ, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, ये इसकी सीरीज की पहचान होती है। अब क्या करते हैं इन दोनों का अंतर लेते हैं, तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अब, एक बटे में अंतर कितना इसका छः सात का एक ही तो है, एक लिख दिया। अब एक बटे में फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है छः, तो एक बटे में छः माइनस एक बटे लास्ट, लास्ट कितना है लास्ट है इसका यह ग्यारह आएगा ग्यारह, तो एक बटे में ग्यारह, ठीक है। जब लोग उत्तम लेंगे तो कितना आएगा, यह आ गया छियासठ, यह ग्यारह माइनस छः, तो कितना है ग्यारह से छः गए पाँच, पाँच बटे छियासठ, क्या आ गया आपका आंसर, समझ गए ना। क्या करते हैं पहले सीरीज को ब्रेक डाउन करेंगे, बढ़ते क्रम में तोड़ेंगे, फिर इसका जो अंतर है वो एक बटे अंतर ब्रैकेट वन माइनस फर्स्ट नंबर बटे वन माइनस लास्ट नंबर। अब यहाँ क्या करते हैं देखिए, एक बटे दस है, इसको कैसे तोड़ेंगे हम, इसको ब्रेक डाउन करेंगे हम, एक बटे ये हो जाएगा आपका दो पंजे दस, इधर तोड़ेंगे तो एक बटे में पाँच गुना आठ, ये हो जाएगा एक बटे में आठ गुना में ग्यारह, अगले का फर्स्ट बन जाता है, ये इसका लास्ट है ना, अगले का फर्स्ट बन जाता है, तो इसका फर्स्ट बनाओ तो एक बटे में ग्यारह गुना कितना आएगा, चौदह बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम करते हैं कि वन बटे में अंतर, अंतर कितना है दो और पाँच का अंतर, ये पाँच है यहाँ पर, दो और पाँच का अंतर कितना है तीन, तो एक बटे में तीन ब्रैकेट वन बटे में फर्स्ट, फर्स्ट कितना है दो, तो एक बटे में दो तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, माइनस और एक बटे में चौदह यहाँ लिखेंगे पूर्ण फोर्टीन। जैसे कल एलसीएम लेंगे तो देखिए वन बटे तीन तो बारह ऐसे चलता रहेगा, अंदर आ जाएगा फोर्टीन एलसीएम, इसे दो से चौदह सात एकम सात, इधर बाकी माइनस चौदह एकम चौदह एक एकम एक, तो ये आएगा आपका एक बटे तीन, इधर बचा छः बटे में चौदह, इधर काटेंगे तीन दूनी छः दो से चौदह पर एक है, तो क्या बच गया एक बटे सात, ये क्या आ गया इसका योगफल आंसर। समझ में आया कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो और करवाते हैं आपको प्रैक्टिस। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए जैसे एक से एक बटे दो, मान से एक से मान से एक बटे तीन,
नहीं आया। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया आपका कि एक माइनस एक बटे दो, एक माइनस एक बटे तीन, इसका मान क्या होगा, इसका मान निकालना आपका, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, देखिए ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा तरीका बताता हूँ, फिर डायरेक्ट काट देंगे हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ देखिए तो दो किस में गुणा करेंगे, तो दो एकम दो, दो में से गया एक, ये क्या बचा एक बटे दो। यहाँ देखिए तीन एकम तीन, तीन में से गया कितना आएगा दो बटे तीन, ठीक है, फिर गुणा, तो चार एकम चार, चार में से एक घटाएंगे तो तीन बटे चार ही आएगा। और लास्ट तक ऐसे जाते जाते लास्ट में क्या बचेगा आपका, एन किस में गुणा करेंगे तो एन माइनस वन बटे में कितना आएगा एन। अब एक ध्यान रखना है ऐसे भिन्न में, ये देखिए इसका टू कटा, इसका टू, इसका थ्री, इसका थ्री, तो एक ध्यान रखो अगर पहली भिन्न का अंश कटा, क्या कहा, अगर पहली भिन्न का अंश कटा तो लास्ट का क्या बचेगा, लास्ट का अंश बच जाएगा आपका, ठीक है। अगर पहली भिन्न का हर कटा, हर कटा तो लास्ट का क्या होगा, हर बच जाएगा, समझ गए ना। देखिए क्या मतलब है इसका, ये क्या था अंश बटे हर, शुरू का क्या कटा हर, हर कटा ना, ठीक है, तो लास्ट का क्या बचेगा, लास्ट का हर बचेगा यानी एन बच जाएगा। तो इसका आंसर पता क्या होगा, यहाँ से तो वन बचा, उधर से क्या बचेगा एन, तो क्या आ गया एक बटे एन डायरेक्ट, समझ गए ना कैसे क्या भाई। यहाँ देखा हमने दो से दो कट गए यानी अंश बटे हर, तो पहली भिन्न का अंश कटेगा तो लास्ट का अंश बचेगा, पहली का हर कटेगा तो हर बचेगा, और इसका हर कटा तो लास्ट भी नहीं है, इसका हर ही बचेगा एक बटे एन। इसमें देखिए कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन, इसे सोल्व करो थोड़ा सा, दो एकम दो, दो में से एक गया एक बटे दो गुना, तीन एकम तीन, तीन में से एक गया दो बटे तीन गुना, चार एकम चार, चार में से एक गया तीन बटे चार, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे फिर ऐसे डैश डैश डैश, और ये क्या है बीस एकम बीस, बीस में से एक जाएगा उन्नीस बटे बीस हो जाएगा आपका ये। अब बताओ यहाँ पर तो क्या कटा, ये कैंसिल हो गया, क्या समझा हमने, देखा कि पहली भिन्न थी ना जो उसका हर कटा, जब हर कटा तो लास्ट का हर ही बचेगा, ठीक है। जो शुरू की भिन्न थी, यहाँ देखिए शुरू की क्या थी एक, इसका तो एक बच रहा था यहाँ पर, और लास्ट की भिन्न का क्या बच रहा था बीस, कहा ना हर कटेगा शुरू का तो लास्ट का हरी बचेगा, तो क्या बचेगा अपोन में बीस, तो क्या आ गया एक बटे बीस आ गया आपका आंसर, समझ गया ना। जैसे इसे देखे क्या है, इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस वन, और ये क्या है प्लस वन, बटे में क्या चलेगा एक्स प्लस में वन, ठीक है, गुणा इधर करेंगे तो एक्स प्लस में टू, प्लस में वन, बटे में क्या हो जाएगा एक्स प्लस में टू, ये लोग उत्तम ले रहे हैं हम, इसके नीचे वन लिख के तो लोग उत्तम लेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस दो, तो ऐसे गुणा देगी, ऐसे लिखा जाएगा। इधर देखिए क्या है, ये क्या x किस में गुणा करेंगे तो x प्लस में थ्री, प्लस में एक, बटे में क्या रहेगा x प्लस में थ्री, आगे देखिए क्या है कि x प्लस में फोर, प्लस में वन, अपोन में क्या आ जाएगा x प्लस में फोर, ठीक है। आगे देखिए कैसे सोल्व करते हैं, इसको जोड़िए पहले x, और ये एक और एक दो, x प्लस दो हो गया, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका x प्लस में दो, और नीचे कितना है x प्लस वन, x प्लस में वन, ये तो ये आ गया गुणा। अगला देखिए क्या है, दो एक तीन, तो x प्लस में तीन, ये आ गया x प्लस में तीन, नीचे क्या बचा x प्लस में दो, आगे किसकी गुणा इसकी, इसके साथ x प्लस में चार, ये क्या आएगा आपका, ये आएगा x प्लस में चार, नीचे क्या आएगा x प्लस में तीन, ठीक है। और क्या बच रहा है आगे गुणा में, x प्लस में पाँच बटे x प्लस में चार, ये आएगा, ये बचा आपका, इधर लिख लो, चलो x प्लस में पाँच, नीचे आएगा x प्लस में चार, ठीक है। तो सारे गुणा मैंने, तो देखिए x प्लस दो, एक्स प्लस दो कैंसिल, एक्स प्लस तीन, एक्स प्लस तीन कैंसिल, एक्स प्लस चार से एक्स प्लस चार कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर तो क्या बचेगा आपका, एक्स प्लस पाँच ऊपर तो आपका बचेगा ये x प्लस पाँच, और नीचे क्या बचेगा ये x प्लस में एक, x प्लस में एक, ये क्या आ गया आपका आंसर। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।